देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आज एक बाहर वास्तव में हरियाणा के खेतों के गन्ना नहीं था, पहले तो खोजबीन की जानी चाहिए वो लाए कहाँ से पाड़ के, क्योंकि तो हरियाणा का खेतों में गन्ना बहुत जबर होता है, अच्छा लठ जैसा होता है। दूसरी बात यह है कि गन्ने के बारे में हरियाणा स्टेट्स देश में सबसे अच्छा कर रही है। हमारा भाव 330 रुपये है, जो पूरे भारत में सबसे ऊँचा है। हमारी सरकार आने के बाद लगातार तीनों साल से 10 रुपये की अधिक बढ़ोतरी मिली है और गन्ना किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ आमदनी बढ़ी, और हमारी सरकार आने के बाद गन्ने का एरिया वो लगभग डबल हो गया है और उसके कारण से गन्ना भी ज़्यादा हो रहा है। मैं जब मंत्री बना तो 6 करोड़ क्विंटल गन्ना होता था, अब 12.25 करोड़ क्विंटल गन्ना हो रहा है, उसमें से 8.80 करोड़ टन गन्ना हम पिराई कर चुके हैं, केवल 2 करोड़ गन्ने की पिराई बची है। एक एक पोरी जब तक खेत में बचेगी उसकी पिराई कराएंगे। 1,000 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट किसानों को हो गई है, बहुत ही अच्छी बात है। गन्ना किसान बहुत अच्छा कमा रहा है। आप एक कोई पूरी की बात करें, लेकिन विपक्ष करें कि आप लोग 150 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदते हैं, मैं कह रहा हूँ सारा एक एक, मैं तो सारा गन्ने बता रहा हूँ। हरियाणा में कुल गन्ना 12.25 करोड़ क्विंटल, 8.80 की पिराई हो गई है, 2 करोड़ अभी बचा है। एक एक पोरी की पिराई करेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी गन्ने का इशू नहीं है। इसलिए गन्ने के मामले में हरियाणा सरकार सबसे अच्छी चल रही है, ना पेमेंट उस मात्रा में बकाया है, समय पर हो रही है, ना गन्ना भी देखे 2 महीने हमको मिल ज़्यादा चलानी पड़ेगी। हम सोनीपत, पानीपत, करनाल और प्राइवेट पिडाकली, इनकी सबकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में और जल्दी उसकी पिराई आने वाले समय में की जा सके। अभी इन्हीं मिलों को 2 महीने और ज्यादा चलाया। किसान अधिकार रैली कर रही है इनेलो आज दिल्ली के अंदर, किसानों के सारे मुद्दों को लेकर के आज रैली की जा रही है, दबाव बनाया जाए। देखिए, उसकी तो कहीं चर्चा नहीं है, रैली की तो कहीं भी चर्चा नहीं है, आप उसकी अन्यथा चर्चा को मत बढ़ाइए। दूसरी बात यह है कि SYL का मुद्दा कोर्ट से हल होने वाला है। जब पॉलिटिकल इशू थे उस समय जन आंदोलन बहुत जरूरी था, उस समय चौधरी देवीलाल मंगल सेन जी ने आंदोलन किया, हम भी उस आंदोलन के सब हिस्सेदार बने थे अपनी युवा अवस्था में। वो आंदोलन अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तनकारी आंदोलन था। जब कोर्ट से निर्णय हो रहा हो तो उस समय यहाँ पर कुछ हेजिटेशन करने का मतलब है पंजाब में उसकी प्रतिक्रिया कैसे हो, और लोकदल, वर्तमान लोकदल ने यही टैक्टिक्स हमेशा खेली है कि यहाँ कुछ करें वहाँ रिएक्शन हो। पहले इन्होंने SYL पर ऐसे ही फर्जी आंदोलन किया, उस आंदोलन का नुकसान ये हुआ कि भाखड़ा मेन ब्रांच में कुछ लक्कड़ वक्कड़ पड़ गए और जिसके कारण से 400 क्यूसेस पानी हरियाणा को कई महीनों तक कम मिला। अब ये फिर कुछ कर रहे हैं तो ये हरियाणा के हित में नहीं है। जब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है तो धैर्य से उसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रतीक्षा ही सबसे सुंदर, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कदम है। एक आज मुझे एक बहुत बड़ा रहस्य पता चला, मैं जब से सरकार बनी एक रहस्य को ढूंढ रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने एग्रो माल क्यों बनाए। आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे बता दिया कि वो विदेशों में एग्रो माल देख कर आए थे। अब मैं वो एक बात नहीं देख कर आए कि दुनिया के विकसित देशों में फूड प्रोडक्ट की बिक्री बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं और इसलिए वो माल में अपना सामान बेच सकती हैं। भारत में फूड प्रोडक्ट को या तो किसान डायरेक्ट बेचता है या सबसे छोटा व्यापारी बेचता है, इसलिए माल में वो माल नहीं बिक सकता, क्योंकि जिसका प्रॉफिट बहुत मार्जिनल है उसकी बिक्री नहीं हो सकती। इसलिए सफ़ेद हाथी ये हरियाणा में खड़े किए गए, क्योंकि अब जो व्यावसायिक माल थे वही नहीं चल रहे हैं। आप देख रहे हो चंडीगढ़ में और में पंचकुला में सब अनवायबल हो गए हैं, तो ये सफ़ेद हाथी खड़े करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। अच्छा हुआ आज कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा गन्नौर मंडी को लेकर। रंगीस मंडी के से कंसल्टेंसी सर्विस ली गई थी, फर्स्ट फेज में उन्होंने अपनी DPR बना कर दे दी, सेकेंड फेज में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना था। जब इन्होंने गन्नौर की मंडी की जो कंसल्टेंसी सर्विस रंगीस दे रहा था उसको यहाँ से भगा दिया, उसका पत्र मैंने आपको आज विधानसभा के सत्र में पढ़कर बताया है कि कैसे हम प्रतीक्षा करते रहे, कैसे हम चाहते थे, कैसे हमको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिले, ये सब उसमें उन्होंने अपने पत्र में कहा है। और इसलिए वो लंबे समय तक मंडी जो है पेंडिंग हो गई। हरियाणा के लोग जिसकी तरफ बड़ी प्रतीक्षा से देख रहे थे, अब हम स्पेशल पर्पज व्हीकल उसके लिए बनाकर जल्दी काम शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू।